दोस्तों रविवार को आईपीएल 2020 के 90वें मुकाबले में एक बेहद रोमांचक मुकाबला खेला गया, जहां राजस्थान रॉयल्स ने शारजाह में किंग्स इलेवन पंजाब को बड़े स्कोर वाले मुकाबले में 4 विकेट से हराकर लगातार दूसरी जीत दर्ज की। किंग्स इलेवन पंजाब ने पहले बल्लेबाजी करते हुए मयंक अग्रवाल की शानदार शतक की मदद से 2 विकेट पर 223 रनों का विशाल स्कोर बनाया, जिसके जवाब में राजस्थान रॉयल्स ने 19.3 ओवर में ही 226 रन बनाते हुए आईपीएल में सबसे बड़े लक्ष्य का पीछा करते हुए जीत हासिल की। संजू सैमसन ने 42 गेंदों में 85 रनों की धुआंधार पारी खेली, जिसके लिए उन्हें मैन ऑफ द मैच चुना गया। दोस्तों इस मैच के बाद पॉइंट टेबल पर भी काफी उलटफेर हुए हैं और हम आपको अपने इस वीडियो में पॉइंट टेबल का ही लेखा जोखा बताएंगे। दोस्तों इस मैच से पहले राजस्थान रॉयल्स की टीम 4th नंबर पर थी, लेकिन इस शानदार जीत के साथ राजस्थान रॉयल्स की टीम पॉइंट टेबल में 2रे स्थान पर आ गई है। राजस्थान रॉयल्स से ऊपर दिल्ली कैपिटल्स की टीम है, जिसके 2 मैच जीतकर कुल 4 अंक हैं। हालांकि राजस्थान का नेट रन रेट जहां +0.615 है, वहीं दिल्ली का नेट रन रेट +1.100 का है, इसलिए दिल्ली की टीम पॉइंट टेबल के टॉप पर है। अब राजस्थान रॉयल्स की टीम अगला मैच भी जीतकर पॉइंट टेबल के टॉप पर आना चाहेगी। राजस्थान का अगला मैच 30 सितंबर को कोलकाता नाइट राइडर्स से है, तो वहीं किंग्स इलेवन पंजाब की टीम इस मैच से पहले पॉइंट टेबल में 2रे स्थान पर थी, लेकिन इस हार ने पंजाब की टीम को पॉइंट टेबल में 3रे स्थान पर खिसका दिया है। पंजाब की टीम के पॉइंट टेबल पर 2 अंक हैं, जो उसके आरसीबी के खिलाफ जीत हासिल कर प्राप्त किए थे। तो वहीं 4th स्थान पर मुंबई इंडियंस है, उसके 2 पॉइंट्स हैं, लेकिन पंजाब के मुकाबले रन रेट कम है। जबकि 5वें स्थान पर केकेआर की टीम है, केकेआर के भी 1 जीत के साथ 2 अंक हैं, और 6वें नंबर पर धोनी की सीएसके है, जबकि 7वें स्थान पर कोहली की आरसीबी है और इनके भी 1 जीत के साथ 2 अंक है, और सबसे लास्ट में हैदराबाद, जिसको अभी भी जीत का इंतजार है। पॉइंट टेबल में अभी हैदराबाद का खाता नहीं खुला है। दोस्तों जैसे जैसे टूर्नामेंट आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे पॉइंट टेबल पर भी टीमों का उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। हालांकि देखना दिलचस्प होगा कि अंत में कौन सी टीम नंबर 1 के पायदान पर रहती है। वैसे आपको क्या लगता है, कौन सी टीम नंबर 1 पर रहेगी, कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।